व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? आपने सुनिए ना अपनी लाइन, नर्चरिंग पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, सुनाएगा भी? हमारा विश्वास हर एक विद्यार्थी है खास और एक नर्चरिंग पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, सुना है ना? तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल सबके पास है पर उसको बाहर लाने की दिक्कत होती है, होती है कि नहीं? सबके पास में कोई एनर्जी है जो उसके अंदर है तो सही, पर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे। हम उस एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपकी वो वाली एनर्जी बाहर आ गई तो बोलते हैं ना, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। सुना है आप लोगों ने? ऐसे बोलते हैं, सबके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बस पहचानने की देर है कि वही पोटेंशियल है। हर बॉडी के पास में इनफाइनाइट एनर्जी है, बस पहचानने की देर। अभी इस चौक के पास में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? है। पर अगर मैं यहां से इसे यहां ले गया तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई या कम? डिपेंड करेगा रेफरेंस क्या है। डिपेंड करेगा क्या क्या है। पर चाहे यहां पे ये मूविंग थी क्या, बता? यहां पे मूविंग है क्या? मूविंग यहां भी नहीं है, तो क्या रुकी हुई बॉडीज के पास में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? yes, या चलती के साथ ही होगी? नहीं नहीं, चलती के साथ तो काइनेटिक तो होगी ही होगी, चलती के साथ काइनेटिक तो होगी ही होगी। पोटेंशियल डिपेंड करेगी रेफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिपेंड करेगी। पर मान लो मैंने तो जमीन को रेफरेंस मान रखा था और इस वाली चौक को उठा के मैं यहां पर ले गया, तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी इज एमजीएच। yes, याद आ रहा है? वो जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच पढ़ा था वो जमीन रेफरेंस मान के पढ़ा था। क्या रेफरेंस माना था? पर हमें बस इतना पढ़ा देते हैं कि किसी भी बॉडी को एच हाइट ऊपर ले जाओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एमजीएच। जो सरासर गलत, जो क्या है? गलत। उसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हेन जमीन इज द रेफरेंस, व्हेन जमीन इज द, मैं अगर मान ले इसी पॉइंट को जीरो रेफरेंस का पॉइंट मान लूं, तो जमीन से यहां लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई मेरी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इसके ऊपर गया तो अलग, इसके नीचे गया तो अलग, पर यहां पर क्या है? जीरो। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो हम डिफाइन करेंगे किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी आई वो पोटेंशियल एनर्जी है। कॉन्फ़िगरेशन एज इन बॉडी की अपन ने लोकेशन बदल दी, उसकी पोजीशन बदल दी, समझ पा रहे हैं? उसके अंदर जो पार्टिकल्स, जो मतलब जिस तरह से फैले हुए थे, उन पार्टिकल्स का फैलाव बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग जब पड़ी हुई है तो चुपचाप पड़ी हुई है, और वही आप लोगों ने देखा है पेन को यूं खचाक से दबाओ तो यूं उड़ के जाता है, देखा है ना आपने? पेन में स्प्रिंग होती है, उड़ के जाता है ना पेन, तो वो भी तो स्प्रिंग ही है। पर जब चुपचाप होता है तो जबरदस्ती उड़ रहा होता है क्या? नहीं, आप उसमें कर क्या रहे हो? स्प्रिंग को कंप्रेस और एक्सपेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंप्रेस और एक्सपेंड। तो जैसे ही अपन पेन के ढक्कन को यूं दबाते हैं, उसके बटन को पीछे से, तो जोर से बटन वापस पीछे आता है। क्यों? क्योंकि आप स्प्रिंग के अंदर क्या भर देते हो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कर देते हो? तो बेसिकली पार्टिकल्स का आदान प्रदान आपस में एनर्जी का हो रहा है, एक दूसरे पार्टिकल भी एक दूसरे के ऊपर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि देख मैं अगर ऐसे चला गया, तू अगर ऐसे चला गया, तो अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी, मजा आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये एनर्जी सिर्फ ऐसे बॉडीज के अंदर ही कन्फाइंड नहीं है, ये जो एनर्जी है ये मजे की बात, ये चार्जेस के पास भी है। मासेस के पास तो है ही सही, और किसके पास है? चार्जेस के पास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा होगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, वो तो आपने के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिखा था, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे और ट्वेल्थ में आएंगे, तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, स्क्वायर हट जाता है। ये भी पढ़ा? एक इसमें पढ़ा एनर्जी का। अच्छा, वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन बताया होगा, T इक्वल्स टू के इक्वल्स टू पी बाई टू मॉड लगा के, ये एक मिनट। हाँ, क्या स्टेटमेंट दे रहा है? एसेंशियल प्लस फाइनल या इनिशियल प्लस फाइनल? मैंने कहा कोई केमिस्ट्री में होती होगी अलग से। हाँ, क्या 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 का है? क्वेश्चन का आंसर समझ के कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, वो उसे बिना बॉम्बार्ड करे जो जी एटमॉस्फेयर बढ़ाया। अच्छा, वो सर ने क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह निकलवाई होगी।
उसमें बोला होगा एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, बस तुम्हें यही तो पता लगा होगा कि एनर्जी लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा क्यों लिखनी है। अभी तो तुम्हें बस ये बता दिया कि भाई एनर्जी इधर दोनों बराबर कर दो, कहानी खत्म। पर हाँ उन्होंने बोला होगा ना, केमिस्ट्री में आता भी नहीं लोगों को, तो करें क्या। अब सुनो मेरी बात, नहीं नहीं सब आता है यार, सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आओ सुनो, आता ही है प्रवेश सर। अरे मैं सामने बोल दूंगा, ऐसी क्या बात हो गई, चलो इधर। चलो अरे कौन सी अड़िया। तो सुनिए, ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसकी एक खास बात, एक और खास बात क्या है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। किसके लिए डिफाइंड होती है? तो हम लोग इसको जब डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। क्या लिखते हैं? डब्ल्यू सी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, वेयर डब्ल्यू सी अभी कुछ भी लिखना नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स का वर्क डन है? और मैं शायद आपको बता चुका हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, याद है बेटा सबको, ठीक है। और ये माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या है? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये ब्रैकेट खोलूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेटा डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ गए? इसके लिए रेफरेंस लेना जरूरी है, बिना रेफरेंस से डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि देख हमेशा डेल्टा यू है, क्या है हमेशा, तो एक किसी को रेफरेंस मानो और उसके हिसाब से एक फाइनल एनर्जी लो। बिना रेफरेंस माने सब कुछ करना गलत है। वो जो तुम बचपन में करते थे ना एमजीएच, उसके अंदर तुम ये बचपन में बिना बताए मानते थे कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम्हें पता थोड़ी ना है, कि ऐसे रेफरेंस वगैरह मानना है, तुम्हें बोला एमजीएच एमजीएच बस याद कर लो, बॉडी ऊपर गई एमजीएच, बॉडी चल रही है हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो सही है बॉडी चल रही है हाफ एम वी स्क्वायर, पर ऊपर गई तो एमजीएच गलत है। ऊपर गई तो एमजीएच गलत क्यों है? क्योंकि रेफरेंस के बारे में हमें कोई ज्ञान, वेरी गुड। तो ये यू इनिशियल और यू फाइनल, ये दोनों क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी कहां पे? इनिशियल, और एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल लोकेशन पे। क्या इतनी बातें समझ में आती है? चलो तो अगर ये बात समझ में आती है तो आप लोगों को शायद ये वाली बात भी समझ में आ जाए कि अगर हम लोग ऐसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यूनिट तो इसकी वही होगी बेटा सारी। यूनिट क्या होगी बोल, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी बेटा? जूल। सीजीएस क्या हो गई? और वैसे क्या लिखूंगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखनी आती है इसकी, बोलो एमएन टू टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन तो हम वैसे ही नहीं भूलते, याद रहता है ना हमें, है ना। तो सभी के पास वो जो भरा हुआ पोटेंशियल है ना, वो सारा पोटेंशियल एनर्जी को समझने में अभी लगाना है। सुनिए, डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, और क्या क्या लिख सकते हैं, हैं? हाँ, स्केलर है वो तो पता ही है, एनर्जी स्केलर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होगी। ऐसे थोड़ी हाफ एम वी स्क्वायर कॉस थीटा एम जी एच साइन थीटा का हो गया, ऐसे तो नहीं करते ना तुम लोग। हाफ एम वी स्क्वायर को इधर लगा देते हैं, वेलोसिटी इधर है, जितना ऊपर आएगा उसके हिसाब से एम जी एच साइन थीटा लगा देंगे, है ना। डाउट माता सोच रहा है गलत क्या बता रहे हैं सर इसमें, यही तो मैं सोच रहा था, परफेक्ट एकदम मैच कर गया ये तो है। चलो, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ना वो हमारे पास कई प्रकार की थी। कैसे थी? कई प्रकार की। जैसे मान लो जब हम लोग मासेज की बात करेंगे तो मासेज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा ग्रेविटेशनल। कौन सी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जब हम लोग स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इलास्टिक। कौन सी हो जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा है ना, अलग अलग प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? है ना। पर अब इसी की अगर मैं आप लोगों को मॉडर्न डेफिनेशन दूं, क्या दूं इसकी, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल सुनो, मान लो मैं किसी बॉडी को नीचे से लेकर ऊपर लेकर आ गया इस तरह से,
तो बोलो क्या मैंने कुछ वर्क डन किया होगा? वो जो मैंने वर्क डन किया क्या वो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में किया? वो जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए किया गया वर्क डन है, वो उस बॉडी में किस रूप में स्टोर हो जाएगा? किस रूप में? तो द वर्क डन इन ऑर्डर टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्या ये सब बातें समझ में आती हैं? वेरी गुड. अभी कुछ छापना, पहले जो लिखवा रहा हूं लिख, उसके बाद में सारी चीजें छापना. लिखिए, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर, दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी. That exert forces exert हो गए. Potential energy का example मिल रहा है live. हाँ, तो body जो भाई क्या क्या लिखा है मैंने, energy associated with the configuration of a system of objects that exert forces on one another is potential energy. तो भाई इसका सबसे सीधा सीधा जो example मुझे समझ में आता है ना, वो spring है. मुझे क्या समझ में आता है? आप लोगों ने देखा है ना, स्प्रिंग जो है वो वैसे लंबी हो जाती है और छोटी हो जाती है, ध्यान दिया है कभी? तो स्प्रिंग अगर खिंच रही है तो वो सारे पार्टिकल्स आपस में तो कनेक्टेड है ना भाई. स्प्रिंग अगर है तो इसके सारे पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, हाँ या ना? सब लोग एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, याद कर. kx kx लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो एक दूसरे पे kx kx लगाते हैं, मतलब फोर्स तो लगाते हैं. तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अपन लोगों ने क्या कर दी पकड़ के, इसको मान ले इतनी लेंथ थी और इसको जबरदस्ती अपन लोगों ने इतना कर दिया, तो इसके अंदर गड़बड़ होगी ना कुछ. या फिर इतनी लेंथ को अपन ने कितना कर दिया, फिर गड़बड़ हो गई. तो जब भी आपस में इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होंगे और वो आपस में इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल्स के अंदर आप कुछ तो भी गोलमाल कर दोगे, कुछ तो भी क्या कर दोगे, गोलमाल कर दोगे इन आपस में इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन के साथ. किसके साथ? कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब या तो पिचका दो या खींच दो. तो इसके अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी की बात मिलेगी. किसकी बात मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी. क्या मेरी बात क्लियर है? बता, रस्सी में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग? नो. व्हाई नॉट? इनएक्सटेंसिबल होती है कि नहीं? कंप्रेस करते ही टेंशन क्या हो जाती है? जीरो. तो वो सब किसी काम का? रबर बैंड. रबर बैंड में कर सकते हैं. चोटी में बांधते हैं ना रबर बैंड, चोटियां बांधते हैं, चोटी कहाँ है? हाँ, चोटियां बांधते हैं कि नहीं? और जो चोटियां वाला जो रबर बैंड होता है उसी की बात कर रहा हूँ. तो वो रबर बैंड जो बांधा आप लोगों ने उसको देखो, खींच तो सकते हैं पर कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस थोड़ी होता है रबर बैंड यार, खाली खींचता है. पर अगर खींचेगा तो बोले एनर्जी स्टोर कर लेगा. वेरी गुड, उसमें भी बात कर सकते. पर ओनली ड्यूरिंग वन टाइम. कब? एलोंगेशन के टाइम. स्प्रिंग दोनों टाइम, चाहे कंप्रेस करो चाहे फैलाओ. क्या मेरी बातें क्लियर है सभी लोगों को? अगली लाइन लिखिए, लिखो लिखो. है क्या बोल रहा है? क्या च्युइंगम? हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. पर उसके अंदर क्या है ना, जो इंटरनल फोर्सेस होती है ना वो बेचारी तोड़ देती है च्युइंगम को. आप उसको इतना ले जाओ और ले जाने की कोशिश करो, टूट नहीं जाती. तो इसलिए ऐसे नहीं, बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, नो प्रॉब्लम. आप सही बात कर रहे हैं. हाँ, तो रबर बैंड कंप्रेस क्या होता है? अरे ऐसे इलास्टिक लिमिट के बाद तो हर चीज टूटेगी ना यार. पर उसके अंदर ऐसा नहीं है ना कि इतनी खिंच गई अब जोर से ऐसे ले आएगी. तो च्युइंगम की कहानी अलग, ये कहानी अलग.
डोंट कंपेयर रबर बैंड विद अ च्युइंगम. ऐसा नहीं कि यहाँ पे रबर बैंड की जरूरत है. दोनों बातें अलग है बेटा, है ना, ध्यान से. ठीक है, चलो अगली लाइन लिखो. लिखिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू, एज द एनर्जी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी यार, एज द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू चेंज इन कन्फिग्रेशन पोजिशन और स्टेट. ड्यू टू चेंज इन कन्फिग्रेशन पोजिशन और स्टेट. ठीक है, और इसके बाद में लिख लो, वी से दैट, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, वी से दैट डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. ठीक है, वो सब मार्किंग कर लेना, ये सारी कहानी लिख लेना, और फिर जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लेना. ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है. हाँ, टाइप्स लिख के कर दे, टाइप्स ऑफ पीई, टाइप्स ऑफ पीई, बस हेडिंग डाल के लिख दे. ऐसे तो और भी होती है, पर ठीक है ना भाई. कल कौन सा गेम खेला? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं खेला, तूने नहीं खेला? इतने सस्ते सस्ते तो रखे थे जान करके. हैं, तेरी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? क्या सूट नहीं कर रहा? पानी, पानी सूट नहीं कर रहा? तीनों लिख लिया बेटा, चलो एक लाइन लिखो. स्टार वन लिखिए. लिखाऊं? लिखो. पीई, पी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो अपने आप पी लिख लेना. ठीक है, तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज. कंजर्वेटिव कौन सी थी जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट था? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. ब्रैकेट में लिख लेना पाथ इंडिपेंडेंट. ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? पाथ इंडिपेंडेंट. और सारी डिपेंडेंसी होती थी इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर, याद आ रहा है ना? वही कहानी है ना. ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट पॉइंट, To define potential energy, we first have to define a reference, and then only, we can talk about change in potential energy, and then only we can talk about change in potential energy. ठीक है, तो इसी बात पे नई नई एनर्जी हमारे जीवन में आ रही है जिसका क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए सारी एनर्जीज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जरूरत नहीं, पर हाँ इसका होना चाहिए, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आओ देखो, देखो भाई क्या होता है. इसको प्यार से जहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले ना बेटा, जीपी लिख लेना. क्या लिख लेना? जीपी शॉर्ट में. हर जगह ही नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे जा रहे हो, तो राइट जीपी इन शॉर्ट, है ना? अब सुनो, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बात बोली कि हमेशा हमें क्या डिफाइन करना होता है? रेफरेंस डिफाइन करना होता है. तो हम लोगों ने यही वाला फॉर्मूला हर बार अप्लाई करना है,
और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने मान लिया कि अभी मेरा जो ब्लॉक है एम मास का वो चुपचाप से ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मेरे को एक रेफरेंस क्योंकि मानना है, तो रेफरेंस पे एनर्जी क्या ली जाए, जीरो या कुछ 5, 10, 15? रेफरेंस पे हमेशा क्या मान के चलो, जीरो। ऑलवेज टेक रेफरेंस टू बी जीरो एनर्जी वाला पॉइंट, है ना। आप लोग जब और बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी पे मानता है। कहाँ मानते हैं? इन्फिनिटी पे। क्वेश्चन किया था ना तुमने ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास आने वाला, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं लिखी थी? जीरो नहीं लिखी थी इनिशियल, जहां से इलेक्ट्रॉन को फेंका था लिखी होगी ना, पर ये बताया थोड़ी होगा क्यों। कोई बात नहीं, अब यहां आ जाओ, कह रहा था ना वो केमिस्ट्री है, चलो अब यहां आओ। तो इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं, वो आगे जाके पता लगेगा। अभी हमारे लिए जो भी चीजें हैं उसके अंदर हमने मान लो यहां पर इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल ले लिया। कौन सा लेवल ले लिया? रेफरेंस लेवल ले लिया। अब ध्यान देना, बहुत जोरदार चीजें आने वाली हैं और इसके ऊपर जेई के अंदर जो सवाल बना या दोबारा से जो बन सकता है वो वाला सवाल भी पूछा जाएगा, सुनना ध्यान दें। रेफरेंस लेवल अगर ये है तो यहाँ आपका ब्लॉक इनिशियली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे यू इनिशियल हो गई, यहाँ क्या डिफाइन हो गई, लेट्स कॉल दिस यू ए, इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? मान लो मैं किसी बी पॉइंट पर इसको लेकर जा रहा हूँ, यह हमारा पॉइंट बी है और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है बेटा? एच। ये हाइट कितनी है? एच। वेरी गुड। कैन यू मेक मी राइट डब्ल्यू ए बी? वॉट इज डब्ल्यू ए बी? एमजी का वर्क डन बताना है। बोल भाई, एमजी लगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 180 डिग्री? तो बोल डब्ल्यू ए बी। इतना डर क्यों रहे तो ये लिखने में? वर्क डन लिखना आता है ना। शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अच्छा माइनस डेल्टा यू, आओ, माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस, बोलो सही है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बोल, तेरे को तो फाइनली बी पर है ना, तो फाइनल का मतलब क्या बेटा? बी है, और इनिशियल का मतलब क्या है? ए। तो क्या हम लोग यू बी निकाल सकते हैं? बोलो भाई, क्या माइनस माइनस कट जाएगा? तो यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी एच प्लस यू ए। बोलो आएगी क्या? नहीं, इधर बचपन वाला फॉर्मूले जैसा लग रहा है क्या? अभी कहां लग रहा है? अब लगेगा जब मैं रेफरेंस पे एनर्जी जीरो मान लूंगा। तो देख एम जी एच आ गया, समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि जो रेफरेंस लेवल है उस पे एनर्जी क्या मान लो, जैसे ही तुम लोगों ने जीरो एनर्जी मानी रेफरेंस के ऊपर, मतलब इफ इफ, ऐसा जरूरी नहीं है फिर बता दो, अगर मान लो कोई देकर रखे कि रेफरेंस पे एनर्जी इतनी लेनी है तो यू कांट टेक इट टू बी जीरो, समझ गए। तो अगर यू ए की वैल्यू क्या ले ली जाए, तो बेटा यू बी की वैल्यू क्या डायरेक्टली एम जी एच लिखी जा सकती है। यही कहानी होती है जो तुम लोग बचपन से पढ़ते रहे हो, पर बड़े होने के बाद ये हाँ, रेफरेंस में अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपने मन से रेफरेंस मानना है, और मन से रेफरेंस मानोगे तो एनर्जी 150-200 क्यों लेंगे, क्या लेकर चलेंगे? जीरो। अंडे पे चलो, बात खत्म, मजा आए। नहीं आई बात समझ? सभी को आ रही है बात समझ? तो ये कहानी हो गई किसकी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, और अगर ए पर जीरो हो गई तो यू बी की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी बेटा? एम जी एच। पर इसके अंदर एक कैच है, बहुत जोरदार कहानी, सुनना वापस। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सुने, हाँ, अगर मान ले मैं एच बाई टू को रेफरेंस मान लेता, इसको रेफरेंस मान लेता, तो क्या यहां से एच बाई टू यू पर जाना पड़ता? यू बी की वैल्यू क्या आती? एम जी एच बाई टू। यू बी की वैल्यू क्या होती? मैं बोल रहा हूं यहां रेफरेंस मान लेता एच बाई टू पे, और यहां से एच बाई टू ऊपर जाता तो यहां तो जीरो मानता ना, एच बाई टू ऊपर जाता तो यहां क्या लिखता? एम जी एच बाई टू लिखता। बोलो लिखता कि नहीं? तो यार ये तो रेफरेंस बदलने से क्या पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी? बोलिए। पर मेरा सवाल ये है कि क्या रेफरेंस बदलने से पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का वो भी चेंज हो जाएगा? यस और नो? यस हो जाएगा। तो लेट्स प्रूव इट टू बी रॉन्ग, मतलब नहीं होता होगा। रॉन्ग प्रूव करूं या राइट?
राइट प्रूव करूं आप लोगों को? वैसे गलत बोल रहा हूं पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे सही बोलोगे। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बोली के मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चेंजेस या डज नॉट चेंज ऑफ अ पॉइंट चेंजेस, बोलो सही है। अब मैंने एक और लाइन क्या बोली कि ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट्स रिमेन्स द सेम। अब पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, तो इसके लिए आपने क्या बोल दिया? ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सही है? ट्रू और फॉल्स? कैसे पता सही है? जबरदस्ती सही है, बड़ा बड़ा तो है नहीं, सही है ना, स्टाइल मार रहे जबरदस्ती। ऑल्दो द स्टेटमेंट इज ट्रू बट आई नीड टू प्रूव इट टू यू, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा याद कर, अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पोजिशन पढ़ी थी, याद कर। ऑन चेंजिंग द रेफरेंस द पोजिशन वेक्टर चेंजेस व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट चेंज। चंपो ऐसे देखने लग जाते हैं कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, तस्वीर जरा एक बार और तो बताना। ये वाई और ये एक्स, ये देख ऐसे तेरा पार्टिकल, ऐसे तेरा पार्टिकल, ए हो रहा आर वन, ए हो रहा आर टू, याद आ रही है उसे? भूल गया उसे? है भाई पुलकित, कुछ याद आ रहा से? नहीं आ रहा से? आ रहा से? बहुत आ रहा से? याद आ रहा से? ये याद करो डेल्टा आर, याद आ रहा सी? ओके, अस्सी भी याद आ रहा सी। अब देख ओरिजन ये था, अब ओरिजन ये हो गया, बोल के आर वन बदल गया, बोलो क्या आर टू भी बदल गया, पर डेल्टा आर बदला क्या? याद आ रहा है? अब तो याद आ गया हो, बहुत सारे लोगों को आया हो, बताया गया था आपको। अब सुनो मेरी बात, मुंडी हिलाता रहा कर बस, तो नहीं कुछ नहीं बताया मैंने, नहीं नहीं बताया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बताया गया होगा। अब सुनो, आपको याद कम रहता है, मेरे को पता है ना आप लोगों की आदतें कैसे हैं। 2D पढ़ा था ना, 2D मोशन, उससे भी बताया जाता, पर चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, नहीं बताया कोई नहीं, आज देख लो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बता ही दिया, मैं तो हुई ना तुम्हारे पास, टेंशन क्यों ले रहे? पुलकित की याददाश्त जारी सी, समझ ना आ रही सी, जा रही सी। R1 R2 याद आया? अब याद करो, मैंने भी तुम्हें यही बोला था, ऑन चेंजिंग द ओरिजिन पोजीशन वेक्टर चेंजेस बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट चेंज, उसी वाली बात का रिपीट टेलीकास्ट है। अब देखना कैसे, थोड़ा सा एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। जब मैं एनर्जी की टर्म्स में इस बारे में बात कर रहा था तो देख, रेफरेंस चलो ये मान रखा था ना, यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर उसकी फील आ जाए। ये मान लो तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, और एक बार तो अपन है ना गड्ढा खोद के नीचे चले गए एच हाइट, और एक बार अपन बॉडी को ऊपर ले गए एच हाइट, ठीक है। दोनों तरफ एच एच ले रहा हूँ यार, जिससे है ना डेटा में फर्क ना आए। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक। अरे कोई दिक्कत, आपका ब्लॉक जो है ना वो इनिशियली कहाँ पड़ा है? चलो ए पर ही पड़ा हुआ मान लेता है, और मास है मैं टेकिंग द रेफरेंस एट ए, ए को रेफरेंस मान रहा हूँ, ए को क्या मान रहा हूँ? बी पर पहुंचने के लिए, अब मतलब ए पर रेफरेंस माना तो बेटा यू ए कितनी हो गई आपके पास? जीरो। तो बोल बी पर कितनी आ गई, डायरेक्ट बोल दे, क्या एमजीएच आ जाएगी? वेरी गुड। सी पर माइनस एमजीएच, ये बात क्लिक कर गई? कैसे क्लिक कर गई? क्या बेटा एमजी भी नीचे, क्या बेटा एच भी नीचे, एंगल इज 0 डिग्री। बोलो क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो नहीं, इक्वेशन वो डब्ल्यू सी वाली, तो क्या लिखा? एम जी एच इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ
यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, ऐसे लिख दूं चलेगा? इनिशियल क्या थी? माइनस साइन आ गया ना, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम बताया, बहुत खुशी हुई जान के। तो ऊपर गए अगर रेफरेंस से, ध्यान रखना रेफरेंस पे अगर जीरो है और रेफरेंस से ऊपर चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, रेफरेंस पे जीरो है तो। अभी मान ले आप ऊपर तो जा रहे हो, उससे चेंज आ रहे हैं 100 का, और रेफरेंस से ऊपर माइनस 500 है, तो माइनस 500 प्लस 100 तो नेगेटिव ही आएगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे ध्यान देना, रेफरेंस पे अगर जीरो है और रेफरेंस से ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेफरेंस पे जीरो और रेफरेंस से ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, रेफरेंस पे जीरो और रेफरेंस से नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। ये बात समझ में आती है? Yes, सभी लोगों को आती है? वेरी गुड। तो ये माइनस एम जी एच समझ में आ गया? ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बेटा आपका यू फाइनल क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस एम जी एच। असली में ये फाइनल का मतलब सी है और इनिशियल का मतलब ए है, क्या ये सबको दिख गया? बहुत बढ़िया। यू का मतलब क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। क्या? वेरी गुड। कई लोग सोच रहे थे अच्छा इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब जाके समझ में आया। बोलो आया कि नहीं ये समझ? चल आगे की कहानी। तो सी पॉइंट पर आप लोगों ने बोला माइनस एम जी एच, बोलो आया कि नहीं? अब एक काम कर, यू बी माइनस यू सी कितना हुआ बता? यू बी माइनस यू सी एम जी एच माइनस ऑफ माइनस आंसर इज व्हाट? 2 एम जी एच। चलेगा बेटा सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर है? अब रेफरेंस बदल, बोल बी ले या सी? सी। लोग बोल रहे हैं सी ले लो रेफरेंस। ये मिटा दूं? ये छापा नहीं गया अभी तक? इतनी देर से क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, सी रेफरेंस लेना है ना, इधर दे, कोई जरूरत नहीं है मिटाने की, यहां ध्यान है ना। सी को रेफरेंस माना, किसको रेफरेंस माना? सी को। सी अगर रेफरेंस है तो यहां पर जीरो हो गई भाई, अब यू सी क्या हो गई? जीरो। यू सी क्या हो गई? अच्छा सी से ऊपर जा रहा हूं या नीचे? ए के ऊपर है एमजीएच, तो बी पे क्या होगी? वेरी गुड। तो यू बी कितनी हो गई बेटा? 2 एमजीएच। और यू ए कितना आ गया? बोलो आया कि नहीं? अब डिफरेंस क्या लिया था आपने पहले? यू बी माइनस निकाल कितना आ रहा है? जल्दी बोल, क्या 2 एमजीएच ही आ रहा है? इसमें कोई फर्क पड़ा? पर देख पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। UB देख MGH, UB देख 2 MGH, UC देख माइनस MGH, UC देख जीरो। समझ पा रहे हो? अब हवा में करना B, B को रेफरेंस, B को रेफरेंस, UB इज UA, UC शानदार, UB माइनस UC माइनस ऑफ माइनस 2 MGH, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द रेफरेंस? यस, ऑफ अ पॉइंट इट चेंजेस, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नेवर चेंज। क्या मेरी बातें क्लियर है?